गुड मॉर्निंग फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बस आप अपने जीवन में ये खुशियाँ लाते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। तो देखिए, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तारीख आज 9 दिन है, आज मंगलवार। और सुबह हम थोड़ा सा गर्म पानी पिया हमने यहाँ पे। नॉर्मली पानी हम पीते हैं, ज़्यादा गुनगुना नहीं पी रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो ज़्यादा गुनगुना पानी नहीं पीना चाहिए। तो आज हम ना अपने घर में ही टहल रहे थे, बाहर नहीं गए हुए थे, मतलब छत पे नहीं गए हुए थे, क्योंकि इतना ही जगह छत पर है, उतना ही हमारे घर में है। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने घर में ही टहल लेते हैं, बाहर ऊपर से जाने से अच्छा है कि नीचे ही टहल लेते हैं, क्योंकि ऊपर ना बंदर बैठे हुए थे। और ना सुबह सुबह आज हमारी आँख खुल गई थी 5:30 बजे। एक तो हम जगना चाहते थे 5 बजे, लेकिन हम मेरे फ़ोन का अलार्म बजा नहीं, इनके फ़ोन का बज गया 5:30 बजे वाला। मैंने अपने फ़ोन में 5 बजे लगाया हुआ था, अगर मेरी आँख 5 बजे खुलती तो हम थोड़ा बाहर टहल लेके जाते थे, लेकिन जा नहीं पाए। कोई बात नहीं, हम अपने घर पे ही वॉक कर लेते हैं। तो बस नहा धो के हम कर रहे हैं पूजा, क्योंकि अभी हम अपने बच्चों के लिए बनाएंगे नाश्ता और बच्चों को जगाएंगे, उन्हें भी कराएंगे नाश्ता। काफ़ी टाइम हो जाता है, धीरे धीरे कई सारे काम होते हैं सुबह के। सुबह अगर आप अपने सही समय से जागोगे ना, तो सारे काम समय से हो जाते हैं, फिर भागदौड़ ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इस टाइम पे जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, थोड़ा सा जल्दी जग जाती हूँ, चाहे मुझे रात को नींद आए चाहे ना आए, लेकिन मैं थोड़ा सा इस टाइम पर परेशान भी रह रही हूँ। आपको तो सभी को पता ही है मेरा 8वां मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो इस टाइम पर थोड़ा सा परेशान होते ही हैं। तो बस यहाँ पर धूप जला दी है, दीपक भी जला दिया है, तो बस हमारा दीपक पूजा पाठ तो हो गया था। उसके बाद फिर हमने सोचा क्यों ना आज बच्चों के लिए मैगी बना देते हैं, क्योंकि कई दिन से बोल रही थी हमारी छोटी वाली बेटी, मम्मी मैगी बना दो, तो एक पैकेट रखा हुआ था, तो हम उसी को यहाँ पर गर्म पानी में डाल दिया है मैगी को। अब इसमें डाल देते हैं जो मैगी मसाला आता ना, उसको डाल देते हैं। सिंपल सी मैगी बनाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। अगर इसमें प्याज टमाटर ऐड कर दो ना, तो वो खाती नहीं है, तो इस वजह से हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, तो बस ये बन जाएगी उनके लिए मैगी। और जब तक हम अपने बच्चों को जगा लेते हैं, क्योंकि हमने दूध पहले ही गर्म कर लिया था बच्चों के लिए, मैगी तो हमने बाद में बनने के लिए रखा हुआ था। तो बस मैगी बनती रहेगी, उसके बाद पहले हम अपने बच्चों को जगा के लाए, क्योंकि सुबह की मेहनत हमारी इन्हें जगाने में काफ़ी जाती है, क्योंकि जगते नहीं हैं छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इस वजह से बड़े लोग तो जग ही नहीं पाते हैं, तो बच्चे तो बहुत मुश्किल से जगते हैं। तो इस वजह से देख सकते हो आप, छोटी वाली बेटी मैं मतलब बेड से उठा के लेके आई, यहाँ पे बिठाया मैंने इसको, तो ज़मीन पर ही सो गई थी। और बड़ी वाली बेटी भी जग चुकी है, और अभी देखो थोड़ा सा मतलब करती हैं आना कुनी, लेकिन जग जाती हैं। तो बस यहाँ पे बेटी को जगा दिया है, अब दूध मैं इसको मिला दूँगी। मैं थोड़ा सा ठंडा तो हो ही गया था, लेकिन जो चीनी थी वो मिली नहीं थी, चीनी को मिला देती हूँ। तो यहाँ पर दोनों बेटियों को दे दूँगी मैं 1-1 गिलास दूध, और खाने के लिए देती हूँ चाय दूध के साथ। टोस्ट खा लेगी, या बड़ी वाली बेटी तो कुछ भी नहीं खाएगी, क्योंकि वो खाती ही नहीं है सुबह के टाइम पे कुछ भी, थोड़ा सा ही खाती है बिस्किट वगैरह, तो बस उसके लिए बिस्किट दे देती हूँ। तो बस देखिए, थोड़ा कुछ बातें यहाँ पे कर रही थी मुझसे बैठने की, मतलब मम्मा कहाँ पर बैठे, तो मैंने कहा यहीं पर बैठ जाओ। तो बस बच्चों को नहला दिया था, उसके बाद फिर हमने उनका लंच पैक किया। देखिए मैं मैगी में ना टमाटो केचप डाल के लेके जा रही हैं, और बच्चे ना आज खुश हो गए, क्योंकि ऐसा लंच देख कर ना बच्चे छोटे छोटे ना खुशी हो जाते हैं। इनके पापा भी लेटे हुए हैं, क्योंकि अभी ये जाएंगे इन्हें छोड़ने के लिए, ये इन्हें छोड़ देंगे तब हम अपने लिए नाश्ता बनाएंगे। तो देखिए नाश्ते में क्या है कि हम अपना पता ही है आप लोगों को, क्योंकि बादाम की लस्सी बनाते हैं, तो वह कुछ ड्राई फ्रूट होते हैं जो हमारे रात को हम भिगो के रखते हैं, उन्हें खाएँगे। और बस बच्चों को उन्हें छोड़ने के लिए गए हुए थे, तो हमें थोड़ी सी भूख लगी आई थी, लगी आती है प्रेग्नेंट महिला होती ना, तो उन्हें तो लगी आती है सुबह के टाइम पे भूख। तो इतने सारे काम भी हमने कर लिए थे, झाड़ू पोछा और बच्चों को तैयार किया, ने लाया नाश्ता कराया उनको, जहाँ तक कि उनका आज मैंने सिलेबस चेंज नहीं किया हुआ था, क्योंकि जो सोमवार को जाता वही मंगल को जाता है। तो बस यहाँ पर हमने पी लस्सी, उसके बाद पालक को कुकर में रख दिया है, क्योंकि आज हम पालक की सब्ज़ी बनाएंगे, पतली जो बनती है, साग जो बनता है। बस यहाँ पे देखिए, इसमें पालक में ना हमने आटे का आलन डाल के यहाँ पे तड़का लगा रहे हैं, ये जीरे और प्याज का तड़का लगा दिया है, और हमने ना सिलबट्टे पर पीस कर इसमें ना हरी मिर्च डाल दी है।
जो सरसों पालक का साग होता है ना उसी तरीके से बनाया हुआ है। इस टाइम पे बाज़ार में काफ़ी महंगी सब्ज़ियाँ चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा क्यों ना आज हम पालक की सब्ज़ी बनाते हैं, थोड़ी हरी हरी सब्ज़ी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे भी डॉक्टर इस टाइम पे कहते हैं कि हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाओ, तो बस रात को हमने पालक मंगाया था उसी को हमने बना लिया। यहाँ पर बन के तैयार हो गया हमारा पालक। पालक की सब्ज़ी इस तरीके से काफ़ी अच्छी लगती है हमको, तो आप बताइएगा। और इतने सारे बर्तन भी हो गए थे, हमने सोचा कि ना फटाफट से अपने बर्तन भी साफ़ करते हैं। इस तरीके से हम अपना 8वां मंथ प्रेगनेंसी मेंटेन कर रहे हैं घर के सारे कामों को, और अभी देखते हैं 9 मंथ कैसा जाएगा। और इस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी हमारा ना जी घबराने लगता है बस इस वजह से, तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं रात के समय। रात को ही पता नहीं क्यों हमें ज़्यादा घबराहट सी होती है। दिन के टाइम तो ऐसा होता है कि सबके साथ बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और घर के सारे कामों में हमारा मन लगा रहता है। और रात को ना हम अगर थोड़ा सा कुछ भी सोचने लगे ना, तो फिर हमारा ना एकदम सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है, इस तरीके से हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है। और आप देख ही सकते हो नाश्ता के और जो सब्ज़ी वगैरह हमने बनाई थी, इतने सारे बर्तन हो गए थे, उन्हें भी साफ़ करना भी ज़रूरी है साथ के साथ, क्योंकि अगर थोड़ा सा रेस्ट कर किया ना हमने काम, तो क्या होता है फिर आलस भी हो जाता है। तो सुबह के काम में हम बिल्कुल भी आलस नहीं फैलाते, क्योंकि कई सारे बहुत सारे काम होते हैं सुबह के, छोटे मोटे भी कई सारे काम हो जाते हैं। और एक गलसिया ऐसे पस जाती है तो पानी थोड़ा सा चला दो तो अपने आप निकल जाती हैं इस तरीके से। तो बस यहाँ पर हम बर्तन साफ़ कर लेते हैं। अभी ना हमने लंच नहीं, मतलब खाना नहीं खाया हुआ है आपको बता दें, क्योंकि अभी हमने सब्ज़ी ही बना के रख दी है, साग जो होता है हरा वाला पालक का। तो बस यहाँ पे हमने बर्तन साफ़ किए, बर्तन को अब हम रख देते हैं बर्तन की जगह पर। अब इसके बाद ना हम अब बर्तन भी हो गए साफ़ हमारे, बस स्लिप और गैस को साफ़ करना रह गया है, क्योंकि अब लगभग हमारे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। बस अभी कमरे में जाके हमें चादर दूसरी बिछानी है, क्योंकि हम तुरंत ही अपने घर में ना कमरे में चादर नहीं बदलते हैं। ऐसा कहते हैं कि थोड़ी देर से मतलब चादर बिछाना तो अच्छा रहता है बेड पे, तो इसी वजह से अभी हमने अपने कमरे को ठीक से साफ़ नहीं किया हुआ। वैसे झाड़ू पोछा हो गया है, पर चादर बदलने के लिए रह गई है। उसके बाद फिर हम ना गैस अपनी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमारी किचन का काम सारा ख़त्म हो जाएगा रसोई घर का। अब रसोई घर का काम ख़त्म हो जाएगा तो बस हम जाएँगे कमरे में अपने साफ़ करने के लिए। और उसके बाद हमने ना आज अपनी मिक्सी निकाली हुई है, जो हमारी साथ में मिली हुई थी ना, निकाली हुई थी तो पहले थे, लेकिन जो जूस वाली होता है ना एक पार्ट, वो नहीं निकाला हुआ था, तो उसको निकाल के हम देख रहे थे कि जूस निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हमने यहाँ पे मौसमी अनार को छील लिया है, और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जूस निकल के आ गया था। मतलब 4 मौसमी हमने ली थी बड़ी बड़ी, और 2 अनार छील के लिए हुए थे। तो एक गिलास लगभग, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा गिलास है, 300 ग्राम का लगभग गिलास है। ऐसा है जो अभी जो बाज़ार में बेचने वाले आते हैं ना, जो गलियों में जूस बेचने आते हैं मौसमी का, तो 40 का एक छोटा सा गिलास देते हैं। इससे अच्छा है कि अपने घर पे ही निकाल लें अगर मिक्सी हो तो काफ़ी ईजी लगा मुझे यहाँ पर इस तरीके से जूस निकालने का। और काफ़ी दिनों से मतलब मैं सोच रही थी कि मौसमी तो मैं लाती हूँ, लेकिन मिक्सी नहीं निकाली हुई थी। तो देखिए अभी ऐसा है ना, जो अनार के दाने छोटे होते ना, तो उसमें सारा जूस निकला नहीं था। तो अभी मैं एक और बार इसको यहाँ से निकाल के सभी को अभी एक और बार पीस दूँगी, तो इसमें से जूस निकल आएगा। और आपको तो पता ही है, पता नहीं बाहर वाले कैसे मतलब पानी वानी मिला के भी दे देते होंगे, और घर की चीज़ तो बनी काफ़ी अच्छी होती है। तो बस हमने यहाँ पर आज सारे मतलब सारे काम घर के ख़त्म करने के बाद हम बैठे हुए थे जूस निकालने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है अनार और मौसमी को छीलने में। तो देखिए अभी हम ना एक और बार इसको मैं निकाल देते हैं, फिर सारा जूस निकल आएगा। फिर 1 से 2 ही बार हम करेंगे, फिर ज़्यादा नहीं करेंगे। तो बस हमारा लास्ट का यही काम बचा हुआ था, क्योंकि हमने सुबह मतलब ड्राई फ्रूट तो खा लिए थे, बस जूस नहीं पिया हुआ था। जब हमारे पास फल रखे होते हैं ना, तो हम फल खा लेते हैं सुबह के टाइम पे, मैं जैसे फिर हमने सोचा आज हम जूस पी के देखते हैं, तो वह जूस काफ़ी टेस्टी बनने लगा था। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।